चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, सफेद बर्फ की चादर। इंसान का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं। इसमें फंसे हुए हैं जर्मनी के दो लोग। इस बिगड़े मौसम में यहां तक पहुंचना नामुमकिन जैसा है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। वायुसेना के हेलीकॉप्टर इस खराब मौसम में इन दोनों लोगों की तलाश में निकले। जैसे ही आसमान से सफेद बर्फ की चादर के बीच ये तंबू दिखा, वायुसेना के जाबाजों ने हेलीकॉप्टर नीचे किया। इससे ये तो समझ में आ गया कि यहां जरूर किसी इंसान के कदम पड़े हैं, लेकिन वो सलामत है या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता था। हेलीकॉप्टर उतारना संभव नहीं था। ऐसे में हेलीकॉप्टर को सबसे पहले नीचे की तरफ ले जाया गया। इसके बाद को-पायलट ने छलांग लगा दी। बर्फ की चादर के नीचे पति पत्नी का ये जोड़ा मदद के लिए इंतजार कर रहा था। दोनों हिलडुल रहे थे। ऐसे में वायुसेना के जाबाज पायलट ने सबसे पहले दोनों को एक एक कर हेलीकॉप्टर में चढ़ाया और इलाज के लिए एयरबेस लाया गया। दरअसल जर्मनी से आया पति माइकल और पत्नी एंथनी ट्रैकिंग करते हुए रिंगडम से डिबलिंग की ओर जा रहे थे, लेकिन पिंगडोंग इलाके में फंसने के बाद इन्होंने मदद के लिए गुहार लगाई। दो दिनों तक पति पत्नी का ये जोड़ा ऐसे ही बर्फ के बीच फंसा रहा। जैसे ही वायुसेना की पश्चिमी कमान को जर्मनी के दो नागरिकों के बर्फ के बीच फंसे होने की खबर मिली, बचाव के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और दोनों को सुरक्षित बचा लिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।